मुंबई मलाड मालोनी पुलिस ने एक कत्ल केस में मुलविस एक खातिल को 6 घंटों के अंदर अंदर कर लिया गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक बतारीख 12 जुलाई को नॉर्थ कंट्रोल रूम को एक कॉल मौसूल हुई थी। मालवनी पुलिस थाने की हदूद में गोल्डन नेस्ट लॉज मध्य मारवे रोड दानापानी बीच के करीब मलाड वेस्ट मुंबई में एक कॉल मौसूल हुई थी, जहां एक औरत बेहोश हालत में पाई गई थी। इसी तरह मालवनी पुलिस थाने के एहलकारों ने जाकर तस्दीक की कि लॉज में एक खातून बेहोश हालत में पाई गई। खातून को मजीद इलाज के लिए शताब्दी अस्पताल कांदीवली वेस्ट मुंबई में दाखिल कराया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे दाखिले से पहले ही मुर्दा करार दे दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक खातून के गले में हीरा पाया गया था और इब्तदाई तहकीकात से पता चला कि इसके साथ एक और नामालूम शख्स भी वहां पर मौजूद था। पुलिस ने तकनीकी तज्जिया करने के बाद मुलजिम की तलाश के दौरान पुलिस टीम को पता चला कि मुलजिम समता नगर पुलिस थाने हदूद कांदीवली ईस्ट मुंबई में मुकीम है। ताहम इसने खातून के कत्ल का एतराफ भी कर लिया है और इसे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से खातून के कत्ल की मजीद तफ्तीश भी जारी है। पुनी सूर्यवंशी मामले की मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस खसूस में तमाम तर तफसीलात। पेश है मुंबई महाराष्ट्र से रिपोर्टर वलीउल्लाह खान की एशियन टीवी न्यूज के लिए ये खसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वलीउल्लाह खान, आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज। दोस्तों, आज हम आए हुए मुंबई के मलाड मालोनी वेस्ट गेट नंबर 5 पुलिस स्टेशन में। कल एक मर्डर हुआ मरजट्टी में। मरजट्टी इलाके में एक महिला का शव मिला। यहाँ मालोनी पुलिस स्टेशन के सीनियर शेखर भाले राव साहब, डिटेक्शन ऑफिसर हसन मूलानी साहब, मानिक मोरे साहब और ऐसे तमाम ऑफिसर जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन चालू रखे हैं, आरोपी को धर दबोचे हैं, गिरफ्तार किए हैं, आगे की इन्वेस्टिगेशन चालू है। दोनों महिला जिसका मर्डर हुआ, वो महिला और वो जो उसके साथ में आरोपी है, जो उसके साथ में था, दोनों की फ्रेंडशिप कुछ थी, ऐसी कोई बात थी, और दोनों शादीशुदा थे। और इन्वेस्टिगेशन आगे पुलिस ने जारी रखा है, आगे क्या होने वाला है ये बात हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं आज की कुछ खास रिपोर्ट। कैमरामैन मनोज कुमार सोनी के साथ एशियन टीवी न्यूज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।